हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ की मैथ का चैप्टर वन एक्सेस 1.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। +3 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक करेक्ट आंसर पर। जैसे कि एक करेक्ट आंसर हुआ तो +3 मिल गए, दो करेक्ट आंसर हुए तो 6 मार्क्स हो गए। वैसे ही -2 मार्क्स कर दिए जाते हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर पे, और एक भी मार्क्स नहीं काटा जाता है ना ही बढ़ाया जाता है अगर एक भी क्वेश्चन उसने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ना कराओ, ठीक है, ना ही मार्क्स डिडक्ट होंगे ना ही इंक्रीज होंगे। तो क्वेश्चन में अब दिया गया है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के कितने मार्क्स आए? 20 मार्क्स आए। इफ़ शी हैज़ गॉट 20 करेक्ट आंसर, उसके अगर 12 करेक्ट आंसर हैं तो बताओ उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या देखा था, 12 मार्क्स उसके आए हैं, 20 मार्क्स उसके आए हैं, उसमें से क्या है 12 क्वेश्चन उसने क्या है क्वेश्चन में गलत करे थे। तो क्वेश्चन कैसे, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर 20 मार्क्स हैं और यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। 12 क्या है? क्वेश्चन है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि उसके टोटल मार्क्स क्या हैं, 20 आए हैं और उसमें से 12 क्वेश्चन सही थे, और बताओ गलत कितने क्वेश्चन हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करना है कि क्वेश्चन उसने कितने गलत करे थे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हर एक सही आंसर पे +3 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने करेक्ट आंसर थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन जो होता है वो लिख देता हूँ, गिवन लिख देते हैं यहाँ पर मार्क्स, गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल टू 3। मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल टू 3, एंड से मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। अब फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, राधिका के स्कोर आए थे 20 मार्क्स, तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, 12 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, तो कितने मार्क्स होंगे, 12 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हर क्वेश्चन सही होने पे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो उसके 12 क्वेश्चन सही हैं, तो कितने मार्क्स होंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। ये इसके आगे यहाँ पर मार्क्स 36 मार्क्स। तो लेकिन बोलोगे क्वेश्चन में तो राधिका के मार्क्स कितने गिवन है, राधिका के कितने स्कोर आए, टोटल स्कोर तो उसका कितना है, राधिका स्कोर इक्वल टू 20 मार्क्स। तो बोल रहे 12 क्वेश्चन सही है तो यहीं पर 36 हो गए, तो ये 20 क्वेश्चन कैसे सही हैं। अब इसमें से गलत भी तो होंगे, 36 में से गलत वाले भी तो करेंगे, अब बाकी क्वेश्चन उसने जितने करे होंगे उतने गलत होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन तो हमने निकाल लिए 36, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 20 और 36 को क्या है माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, जितने इनकरेक्ट आंसर हैं वो मिल जाएगा हमें, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू, टोटल मार्क्स उसके कितने आए, 20 आए थे, सही उसके यहाँ पर 36 थे, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, -16। अब इंटीजर चैप्टर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर देखो ऐसे आ रहा है -16, ओके। तो यहाँ पर -16 जो है ये उसके क्या है मार्क्स इतने डिडक्ट हुए थे, मीन्स 16 मार्क्स उसके क्या है डिडक्ट हुए थे, तो 36 में से अगर 16 घटा दोगे तो 20 आएगा, तो इसलिए उसका 20 आंसर आया था। 36 मार्क्स किसके आए हैं इसके सही के, तो उसमें 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि एवरी करेक्ट आंसर पर 3 दिया जा रहा था, तो इसका 12 आ जाएगा, और 16 मार्क्स क्या है गलत आंसर क्या है, तो गलत आंसर पर -2 कर जा रहे थे, तो इसलिए मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 8 16, तो मीन्स करेक्ट आंसर 12 उसने करे थे और इनकरेक्ट आंसर 8 उसने करे थे। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ क्या है अच्छे फॉर्मेट में लिख के आपको समझाता हूँ। 16 उसने गलत किए, अब हमें क्या मिल गया -16 मार्क्स। अब हमें यहाँ पर -16 दिया गया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर -16 उसके मार्क्स दिए गए हैं इनकरेक्ट के, जैसे यहाँ पर 36 आया ना करेक्ट आंसर का, लेकिन क्वेश्चन उसने कितने करे थे, 12 क्वेश्चन करे थे, वैसे ही अब हमें ये फाइंड करना है
अब इनकरेक्ट आंसर का यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? डिवाइड करके इसको फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे? -16 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकता है, मैंने पहले से लिख रखा है कि दोनों के लिए -2 इनकरेक्ट आंसर के लिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 8 16, सो प्लस का 8 आएगा आंसर। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन है। जैसे कि 12 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे और उसके 36 मार्क्स आए थे, वैसे उसके 8 क्वेश्चन सही थे, गलत थे, और उसके -16 मार्क्स इसलिए हुए थे, और इसलिए करके उसका यहाँ पर क्या है 20 मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर 10, या फिर मैं यहाँ पर लास्ट में भी लिख सकता हूँ 10 राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, राधिका ने 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन करे थे, 12 सही करे थे, 8 इनकरेक्ट करे थे। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर करे, थ्रू शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन है, 7 करेक्ट आंसर है, बताओ इनकरेक्ट आंसर उसके कितने अटेम्प्ट करे। तो बिल्कुल वही करेक्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही लिख रखा था कि +3 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल, जो गिवन है पहले वो लिखो, कितने करेक्ट आंसर हैं। सो मार्क्स कितने मिलेंगे करेक्ट आंसर के? मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर है, एवरी करेक्ट आंसर पे 3 का होगा यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे एवरी करेक्ट आंसर पे। सो 7 के लिए कितने दिए जाएंगे? 7 3 21, मीन्स 21 उसके कितने आए मार्क्स आए हैं, 7 करेक्ट आंसर के 21 मार्क्स हो गए। लेकिन मोहिनी ने कितना स्कोर करा है टोटल? मोहिनी स्कोर्ड इक्वल टू -5 मार्क्स, तो उसके गलत तो बहुत सारे हो गए, यानी कि तो गलत कैसे निकालेंगे? मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू, तो टोटल मार्क्स उसके -5 थे, उनमें से घटा देंगे हम जितने उसके सही मार्क्स थे। ठीक है, करेक्ट आंसर थे, टोटल में से करेक्ट हटा दिए तो इनकरेक्ट आ जाएंगे हमारे पास, तो आएगा यहाँ पर माइनस का 26, माइनस माइनस प्लस, मीन्स 26 मार्क्स उसके यहाँ पर क्या थे, उसने गलत किए थे। क्वेश्चन कितने गए थे? जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन थे सही, तो उसके आए थे 21 मार्क्स, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा हर क्वेश्चन का जो सही है। वैसे ही अब यहाँ इनकरेक्ट आंसर का दे रखा है, इनकरेक्ट आंसर के हमें मार्क्स दे रखे हैं, और बोल रहा है हमें क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन कितने थे इनकरेक्ट, उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे। क्या करेंगे? -26 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो हमारे पास इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है निकल के आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ इन करेक्ट आंसर इक्वल टू -26 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 3 6, ओके। सो दस मोहिनी हैज अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट आंसर, 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया हमारा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।